इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल्स प्रेजेंट इन ए सेल कितने हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। और नाम क्या हो जाएगा? वन एस। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल्स सेकेंड सेल, सेकेंड सेल एल एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल्स कितने हो जाएंगे? दो। और कौन कौन होगा? एस और होगा पी। ये दोनों का दोनों सेकेंड सेल का ही है, इसलिए हम कहेंगे 2s 2p। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉफ्ट सेल कितने हो जाएंगे? 3। और उनका नाम क्या हो जाएगा? s p d। तीनों का तीनों थर्ड सेल का ही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? हम 3s 3p 3d। इसमें देखिए इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे। और वो कौन कौन होंगे? s होंगे, p होंगे, d होंगे, f होंगे। चारों का चारों फोर्थ सेल का ही है, इसलिए सब के आगे 4 लगता हुआ चला जाए। ठीक है, अब ये पांचवा है, 5 सबसेल हो जाएगा। और इस कौन कौन हो जाएंगे? एस हो जाएंगे, पी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे, जी हो जाएंगे। हो गया, सब के सब फिफ्थ सेल के हैं, इसलिए सब के आगे आप 5 लगा दीजिए। ठीक है, ये 6 हो जाएगा इसमें। और 6 का 6 कौन कौन होंगे? एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा। लगाते चले जाइए सब के आगे 6। ये शो कर रहे हैं कि 6 सेल का है ये सब। इसमें 7 हो जाएगा। और कौन कौन हो जाएगा? एस पी डी एफ जी एच आई। 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। स्क्वायर करने का मतलब कितना हो गया? 1 स्क्वायर 1 हो गया, इसमें 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, 7 स्क्वायर कर लीजिए इसको। 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49। ये 2n स्क्वायर है, तो 2 into 1 स्क्वायर, 2 into 2 स्क्वायर, 2 into 3 स्क्वायर, 2 into 4 स्क्वायर, 2 into 5 स्क्वायर, 2 into 6 स्क्वायर, 2 into 7 स्क्वायर। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 18 हो गया, ये 32 हो गया, ये 50 हो गया, ये 72 हो गया, ये 98। क्लियर हो गया? तो इसको अच्छे से समझिए, यदि कहीं किसी को दिक्कत होगी तो जरूर इस पर चर्चा करें, पूछें हमसे, कांटेक्ट नंबर तो है ही। इसको देख लीजिए अच्छे से सभी आदमी। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ, दूसरा टेबल बनाने जा रहा है। टेबल नंबर 2 हम देने जा रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 1 से होगी, 1 2 3 4। और एजीमथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, उसकी शुरुआत 0 से होगी, 0 1 2 3 4, इस तरह से हो जाएगा।
ले चलते हैं, स्टार्टिंग से ही ले चलते हैं। देखिए L का वैल्यू यदि जीरो हो तो सबसेल कौन हो जाएगा? S, कोई भी S, चाहे वो फर्स्ट सेल का S सबसेल हो, सेकेंड सेल का S सबसेल हो, थर्ड सेल का S सबसेल हो, फर्क क्या पड़ेगा सबके सब S सबसेल में? फर्स्ट सेल का जो सब फर्स्ट सेल का जो सबसेल S होगा वो छोटा होगा सेकेंड के बनिस्पत, सेकेंड सेल के S के बनिस्पत। तो जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही सबसेल का साइज भी बढ़ता जाता है। जैसे 1s छोटा होगा 2s से, 2s छोटा होगा 3s से, 3s छोटा होगा 4s से, इस तरह से बढ़ता जाएगा 1s 2s 3s इट इज। यदि हम 1 का दें तो ये p हो गया, दैट इज 2p 3p 4p इट इज। यदि हम 2 का दें तो ये d हो गया, दैट इज 3d 4d 5d। यदि हम 3 का दें तो ये हो गया f, दैट इज 4f 5f 6f etc। यदि हम 4 का दें तो ये g को शो करेगा, दैट इज 5G, 6G, 7G, etc। और इसी तरह से अल्फाबेटिकली बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब नेम ऑफ द सबसे हो गया तो नेम ऑफ द ऑर्बिटल्स चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसेल हो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, तो ns कर दिया और यहां पर हम एक ब्लॉक बना दी, ठीक है, ns कर दिया, ns की जगह पर 1s 2s 3s जो भी लिखना है लोग लिख लो गया। इसके बाद फिर इसमें हो जाएगा 2 into 1 plus 1, ये 3 हो गया। तो कोई भी p सबसेल हो उसमें ऑर्बिटल्स तीन ही होंगे, चाहे 2p हो 3p हो 4p हो कोई भी हो, उसमें जो ऑर्बिटल्स की संख्या होगी वह बस तीन ही होगी। हालांकि ये px हुआ, py हुआ, pz हुआ वो हम आगे बता देंगे, पहले आज इतना जो है एक समझ लीजिए। ये हो गया F सबसेल में 7 हो गया, G में 9 हो गया, D में 5 हो गया। D तक का तो पता है,
डी तक का जो ऑर्बिटल से उनका नॉमेनक्लेचर भी हुआ है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स या डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये सब हम कुछ दिनों के बाद बताएंगे जब उसका फिगर ड्रॉ करेंगे तब। अभी फिलहाल इतना ही। और एन एफ के बारे में अभी नहीं पता चल सका है, उसके लिए कहा गया है कि ये बंचेज ऑफ ग्रेप्स की तरह है। जी में तो अभी लोग घुसा ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं किया है जी जी सब सिल्क ऑर्बिटल्स में, लेकिन यदि जाएगा तो उसमें इससे ज़्यादा ऑर्बिटल्स उसमें नहीं पाए जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। फॉर्मूला से अभी तक हम लोग यही सीखे हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सबसे, ये हो जाएगा 4l प्लस 2, तो इसमें हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2, इसमें हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2, इसमें हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2, इसमें हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2, इसमें हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो यही कहानी है। इस कहानी को आप लोग देख लीजिए, अगले रोज इसको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, इसको याद कर लीजिएगा, किराए की कहानी नेक्स्ट टाइम बताएंगे।